हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट वन, चैप्टर नंबर थ्री का क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर टू, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर टू करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर टू हमें वन बाय वन पॉइंट्स रेट करेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 250,000। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन में बनाना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 250,000। तो क्या किया कुणाल ने, बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। सबसे पहला क्या होगा, कैश आएगा अपना, कैश और दूसरा क्या, कैपिटल में इफेक्ट जाएगी। तो कितना है, 250,000। तो कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 250,000, तो 250,000 क्या आया अपना, कैश आया। और क्या कुणाल लिए लाया, कौन, कुणाल अमाउंट लाया 250,000। तो कुणाल कौन है, उसका खुद का बिजनेस है तो वो खुद स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या है, कुणाल ओनर है। तो कुणाल जो पैसा लाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 250,000। तो पहला अपना हुआ, अब देखो पहला ट्रांजेक्शन हमारा इक्वल हो रहा है 250,000 दोनों साइड, 250,000। तो ये ट्रांजेक्शन हमने सही एंट्री दी है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। मतलब क्या, उसने 35,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर परचेज किया तो उससे क्या होगी, हमारी असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी और क्या होगा, कैश कम होगा। तो दोनों दो इफेक्ट किधर आएगी, असेट साइड पे ही दोनों दो इफेक्ट आएगी, उधर कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो हम यहाँ इफेक्ट देंगे, तो क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर फॉर कैश, क्या बोला था, फर्नीचर कितने रुपये में खरीदा उसने, फर्नीचर फॉर कैश 35,000। तो 35,000 सेकेंड ट्रांजेक्शन, 35,000 तब उसने क्या, 35,000 का फर्नीचर प्लस, और यहाँ पे क्या उसने क्या, और ये उसने कुला कैश में क्या किया, कैश से पे किया। तो 35,000 हम इधर कम कर देंगे और फर्नीचर 35,000 का लाए तो फर्नीचर हम 35,000 से बढ़ाएंगे। तो अब इफेक्ट क्या आएगी, यहाँ पे 35,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 215,000 प्लस 35,000, 250,000 प्लस 35,000, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 250,000 और इधर भी 250,000, क्योंकि इधर कोई चेंजेस आया ही नहीं है, इधर 250,000। फिर से ये वाले सेकंड ट्रांजेक्शन में भी हमारा टोटल सेम हो रहा है, मतलब हमने एंट्री सही की है। अब बाकी का अलग तीसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे, सी ट्रांजेक्शन, ही पेड कमीशन। अब कमीशन यहाँ उसने पे किया, तो कमीशन क्या है, कमीशन क्या है, हमारी इनकम है, मतलब कमीशन कुणाल की क्या है, इनकम है, सॉरी उसने पे किया है, उसको मिला नहीं है, क्या किया उसने, पे किया है किसी और को, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस होगा। तो कमीशन क्या है, एक्सपेंस हो सकता है, अगर हमको कमीशन मिले तो इनकम, अगर हम किसी को कमीशन पे करें तो एक्सपेंस। तो क्या, कितना कमीशन पे किया है, तो कमीशन कितना पे किया उसने, 2000 कमीशन पे किया उसने, कितना, 2000 कमीशन पे। तो ही पे 2000 कमीशन, अब 2000 कमीशन पे क्या है, तो सबसे पहला हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, तो 2000 हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, एक्सपेंस, और दूसरा क्या बोला है उन लोगों ने, दूसरा के एक्सपेंस पे किया है, तो एक्सपेंस कैसे पे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 इधर से भी माइनस करेंगे, तो अब इधर कितना आएगा अपना, 35,000, इधर कोई चेंज नहीं है, तो कितना हमारा कम हो जाएगा, 248,000 इधर भी, और इधर कितना आएगा, इधर भी 248,000। तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी हमारा टैली हो रहा है। अब हम करेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा वो देखेंगे अब। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या उसने क्रेडिट पे परचेज किया, क्या गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, कितने रुपीस के, 40,000 के उसने क्या किया, गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। तो अब क्रेडिट पे परचेज किया मतलब क्या, उसने कैश पे नहीं किया होगा, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, तो उसने क्या करा होगा, उसने किया होगा डायरेक्ट क्रेडिट पे परचेज, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। तो कितना क्रेडिटर क्या है, गुड्स परचेज किया तो हमारा गुड्स भी बढ़ेंगे, तो हम गुड्स भी लिख देंगे, कितना अमाउंट, 40,000।
अब क्रेडिटर कितने अमाउंट से बढ़ेंगे, 40,000। तब हम टोटल करेंगे फिर से, 40,000, 35,000, 2 लाख, 30,000। तो 40,000 तो कितना होगा, 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं, 40,000 है ना, तो 2,88,000। कितना, 2,88,000। और इधर भी हम ऐड करेंगे ये वाला और 2,48,000, तो कितना होगा, 4,000। तो टोटल होगा 2,88,000। तो फिर से हमारा टैली हो रहा है, 2,88,000, 2,88,000। मतलब हमारा ये ट्रांजेक्शन भी सही है। अब हम देखेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। मतलब उसने क्या किया, 20,000 के गुड्स बेचे। मतलब हम क्या करेंगे, 20,000 पहले तो माइनस कर देंगे इधर से, गुड्स में से माइनस कर देंगे 20,000, और 20,000 के गुड्स उसने कितने में बेचे, 26,000। मतलब उनको कैश कितना मिला होगा, 26,000। तो हम 26,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 26,000 में से हमारा जो 6,000 है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तब हमने इफेक्ट दे दी, तब हम सॉल्व करेंगे। थर्टी फाइव थाउजेंड और यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 20,000 रिमेनिंग। तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे होगा 2 लाख 20,000, 55,000, 55,000 प्लस 55,000 प्लस 39,000 मतलब 94,000। कितना, 2,94,000। और इधर कितना होगा, इधर भी हम लिखेंगे 40,000, और ये कितना हुआ, 2, यहाँ पे ये होगा 5 और 2, तो ये भी होगा 4 आएगा यहाँ पे, 2,94,000। तो हमारा ये भी टैली हो रहा है। तो अब ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी हमारा टैली हो रहा है। मतलब क्या है, हमने पूरा सम सही किया है। तो ये क्या था, सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन थे, और आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। नॉर्मली ये क्या है, 4 या 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है।